लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नोइंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए, इसके लिए जो प्रकल्पग्रस्तों ने सिडको और सरकार को अल्टीमेटम दिया था 15 अगस्त का, वो अब खत्म होने वाला है। आज 9 अगस्त, अगस्त क्रांति दिवस पर आज सरकार को जगाने के लिए एक तरह से मशाल मोर्चा की शुरुआत हो गई। हमारे साथ कुछ प्रकल्पग्रस्त हैं जो यहाँ सिरोही विद्यालय से इस मशाल को अपने गाँव तक पहुँचाने वाले। हम सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या भावना है दीपा पाटिल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाम देने को लेकर। आप सब लोगों का स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आप दीपा पाटिल के प्रति आप अपना स्नेह रखते हैं? हम लोग की मांग है, नवम्बर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो हो रहा है उनको जो नाम है दीपा पाटिल साहब का ही लगना चाहिए, ये हमारी पूरी मांग है। और इसके लिए आज हम लोग का ये पूरा मशाल मोर्चा पूरा न्यू बॉम्बे में हो रहा है। अब ये बोनकोड़े गाँव में हम लोग आज शाम को 7 बजे पूरा गाँव में जन जागृति करेंगे। क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह से सरकार ने और सिडको ने दीपा पाटिल साहब का नाम नेग्लेक्ट किया है, उसे आपको कितनी तकलीफ हुई है? इसके लिए हम लोग को भारी दुख हुआ है, क्योंकि दीपा पाटिल साहब हमारे दैवत है जिनका नाम महाराष्ट्र सरकार ने नहीं लिया है, इसलिए हम लोग को बड़ा दुख हुआ है। पर हम इसका संघर्ष जरूर करेंगे और दीपा पाटिल साहब का ही नाम देंगे। आप जैसे अभी आपने कहा कि बोनकोड़े गांव में आप इस मशाल को आप घुमाने वाले हैं, तो जो स्थानीय प्रकल्पग्रस्त हैं, जो बोनकोड़े गांव के लोग हैं, वो किस तरह से इस नाम को चाहते हैं कि नवीनबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का ना हो, किस तरह से उनका समर्थन आपका मिल रहा है? सब गांव का पूरा समर्थन है, अभी सब गांव वाले हमारे मंदिर में जमा हुए हैं, जैसे हम लोग जाएंगे तो गांव में हम लोग पूरे रैली घुमाएंगे। संघर्ष जिस तरह से अभी आज से शुरू हुआ, एक तरह से संकेत है सरकार को और सिडको को कि अगर 15 तारीख तक नाम नहीं दिया जाता है तो आंदोलन और भी तेज होगा, किस तरह की भूमिका रहेगी प्रकल्पग्रस्तों खासकर आपकी? कृति समिति ने जो जाहिर किया है 16 तारीख को काम बंद, शायद हम लोग भी उधर भी जाएंगे, उनके साथ में रहेंगे। किस तरह की भावना है आपकी दीपा पाटिल साहब के प्रति? दीपा पाटिल की बहुत बड़ी पैमाने में हमारे दिल में भावना है, इसलिए हम लोग दीपा पाटिल का नाम ही एयरपोर्ट को देंगे, इस बात के ऊपर ठाम है। जैसा कि आपने सुना कि एयरपोर्ट पर सिर्फ दीपा पाटिल का ही नाम चाहिए, इसको लेकर सभी प्रकल्पग्रस्तों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इसके सिवा दूसरा कोई भी नाम मंजूर नहीं है। जाहिर सी बात है, जो आज का मशाल मार्च है ये कहीं ना कहीं सरकार और सिडको को जगाने की एक कोशिश है। उम्मीद की जा रही है कि सिडको और सरकार निश्चित तौर पर जागेगी और नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल का नाम देगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवीन मुंबई।